हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं उस स्टॉक को जिस स्टॉक में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जिस स्टॉक में टारगेट हिट हुआ उसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स को 25 सितंबर 2022 को और इस स्टॉक ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अपना तीसरा और लास्ट टारगेट हिट किया है। इस स्टॉक का फ्राइडे का हाई है 979.90 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो था वो स्टॉक जिस स्टॉक में फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में टारगेट होता हुआ नजर आया है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस स्विंग ट्रेड स्टॉक को डिस्कशन करने वाले हैं जिसको कि आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जिस भी स्टॉक का डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज के लिए होगा। इस स्टॉक में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक उसका नाम है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं सस्टेन अबव 165। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर पे होंगे 170, 175 एंड 180 के। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जो कि होगा 5 रुपीज़ नीचे 160 के लेवल पर और इस स्टॉक में होल्डिंग टाइम रहेगा 1 to 5 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फ्रेंड, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50-day एक्सपीरियंस मूविंग एवरेज और 100-day एक्सपीरियंस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के फ्राइडे दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, इस स्टॉक के फ्राइडे दिन के जो वॉल्यूम थे वे इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम के बराबर के थे। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न और चार्ट पैटर्न की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमें चार्ट पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। अभी इस स्टॉक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, उसकी वैल्यू है 165। तो अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 165 के लेवल को ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम और इस लेवल के ऊपर आधे से घंटे सस्टेन कर जाता है ड्यूरिंग द डे, तभी स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 170, 175 एंड 180। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं जिसका लेवल होगा 160 का और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड, ये तो था टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं और जैसे ही इसमें डिस्कस करेंगे लेवल चाहते हैं तब आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्विंग ट्रेड स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।